स्वागत है आपका नैनीताल की इन हसीन वादियों में। हर हर महादेव दोस्तों, मैं प्रतिभा जोशी, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रतिभा जोशी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया एकदम मस्त हूँ और आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ नकुचिया ताल। तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग मेरी नैनीताल की सीरीज़ में अपना प्यार देते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत कुछ है आगे आपके लिए अभी, तो ऐसी वीडियो को देखते रहिए। नैनीताल की सीरीज हमारी चल रही है दोस्तों, तो उसमें बहुत आसानी से आप लोग नैनीताल की आसपास की चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो आप सारी जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग आपको लेके गए हैं नैनीताल में, नैनीताल झील के आपको दृश्य दिखाया, आसपास की जगह दिखाई, होटिया मार्केट, और वहाँ पे नैना देवी मंदिर का बहुत ही सुंदर नज़ारा है, उनके आपको दर्शन करवाए, और फिर हम आपको ले गए नैनीताल से कैची धाम, तो जहाँ पे अभी हाल ही में ही विराट कोहली जी आए थे, और फिर आपको हम ले गए नैनीताल से घोड़ाखाल मंदिर के लिए। तो तीन जगह तो ये आपके लिए एक्सप्लोर हमने करवाई, और जो चौथी जगह है वो आप नैनीताल से हनुमानगढ़ी जा सकते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है दोस्तों हनुमान जी का। हनुमान जी ने अपना पूरा ज़िंदगी समर्पित कर दी थी उनकी आराधना में, प्रभु श्री राम की आराधना में, तो उनके वहाँ पे आपको दर्शन हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और जो पाँचवीं जगह है वो है सात ताल, तो नैनीताल से सात ताल आप लोग जा सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोज़, ये सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप देखिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग भी जब यहाँ आते हैं तो आसानी हो जाएगी आपको, आप लोगों के लिए आसपास की जगह कवर करना। मैं पहुंच चुकी हूं भीमताल। बहुत सुंदर दृश्य है भीमताल लेक का, और बोटिंग करते हुए लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और ये धूप के कारण इस लेक की जो सुंदरता है और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो हरी लेक है इसमें शाइन करता हुआ पानी नज़र आता है। बहुत अच्छा रहा हमारा आज का ट्रिप। अगर आप नैनीताल आते हैं तो नैनीताल से आप लोग
भीमताल के लिए आ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और नैनीताल सीरीज़ में आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारी नैनीताल की सीरीज़, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नैनीताल आके सिर्फ नैनीताल ही नहीं रहे, वहाँ की आसपास की जगह जो जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सारे आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। सबसे पहले हम आपको नैनीताल से लेके गए हैं कैची धाम, और फिर उसके बाद हम आपको नैनीताल से लेके गए हैं घोड़ा खाल, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और नैनी झील के आसपास आपको बहुत सारी स्ट्रीट मार्केट जो है वो देखने को मिल जाएगी। भोटिया मार्केट बहुत ही फेमस मार्केट है वहाँ की, और मंदिर वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं नैना मंदिर के, वहाँ पे भी हम लोग आपको ले गए। तो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल में। तो दोस्तों हमने लगभग लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली है नैनीताल के आसपास, और पूरी कोशिश की है आप लोगों को ये बताने की कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आसानी से आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि जो लोग आते हैं दूर दूर से, लोगों को पता नहीं होता है, रिसर्च करके तो लोग आते हैं कि नैनीताल हम लोग घूमने जा रहे हैं, लेकिन वो नैनीताल तक ही सिर्फ रह जाते हैं। तो दोस्तों मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको जानना है कि उसके आसपास कौन सी जगह है तो हमारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, लोगों तक शेयर कर सकते हैं जो जो अभी वैकेशन्स आ रही हैं उसमें जो प्लानिंग कर रहे हैं बाहर घूमने की, नैनीताल आने की, तो उसे हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं कि आप क्या क्या जगह उसके आसपास एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाथ डाल के ले लेना।